पाजी, मैं वही ठाकुर हूँ जिसके हाथ अर्चना ने गब्बर से सिर्फ इसलिए कटवाए थे ताकि जिम जाते जाते मेरे डोले इनके डोले से बड़े ना हो जाए। जब से गब्बर ने हाथ काटे है काफी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह अखबार नहीं उठा पाता मैं। वैसे तो मेरा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट दोस्त रामलाल मेरे सारे काम करता था, लेकिन कल एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसके भी हाथ कट गए। खैर कोई बात नहीं, मैंने कुछ नए नौकर बुलाए है। हाँ। आते ही होंगे। हेलो हेलो, किसी ने एटिकेट नहीं सिखाया, कोई हेलो करता हेलो करना चाहिए। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। सारा गांव वाले जानते हैं कि ठाकुर का हाथ गब्बर ले गए। ओह माय गॉड, कोई किसी का साइकिल मांग के ले गया तो कोई स्कूटर तेरे हाथ ही मांग के ले गया कोई। एक बात बता, ऐसा क्या किया रे तूने अपने हाथ से तेरे हाथ काट दिए उसने? मैंने गब्बर का गला पकड़ा। ओह माय गॉड, मैंने कहा गब्बर क्या ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। ओह माय गॉड, क्या जरूरत थी इसके गले में हाथ डाल के बोलने की हाथ नहीं फांसी का फंदा है, काट के ले गया ना तेरे दोनों फंदे। अभी खेल रहा होगा उसके साथ डांट गया बैठा बैठा। तूने रोका कि नहीं इसको? रोकने के बाद ही इतना काटा, वरना पता नहीं वो तो क्या क्या काटने वाला था। ए, सुन सुन, शुक्र है भगवान का तेरी पैर नहीं काटे उसने, वरना हाथ और पांव के बिना ठाकुर कम तो बीन बैग ज्यादा लगता था। तेरे को तो हाथ नहीं होते तो उसका भी बड़ा फायदा होता है। एक तो सबसे बड़ी बात, तेरा हाथ कभी दरवाजे में नहीं आ सकता है। और कभी किसी तरह झगड़ा होगा ना, तेरे को यूं करने की जरूरत नहीं है, सीधा मारना सर उसके पेट में। बड़ी हाल, ये बकवास बंद करो और ये बताओ कौन हो तुम? अरे बाबा इश्तिहार दिए थे ना नौकर चाहिए, तो सेम लाइक दैट माई सेल्फ। ओके, ये ईयर मेरी क्यों डाल के रखी है? पिछले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट थी। लड़की वालों को कोई जगह नहीं मिली तो कान में पहना कर चले गए। वेरी इंटरेस्टिंग लेडी इन द अर्थ, यू नो, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पहन के बैठा है। हेलो, इधर बैठना, तो एक तो खड़ा बड़ा रहता है, तो बैठ इधर, चाय बनाऊं तेरे लिए। ओह माय गॉड, तेरा तो गैस खत्म है। ऐसे कैसे हो सकता है, कल ही तो गैस आया था। बेड़ा गर्क, ये किसने रखा है गैस के पास? गैस तो खत्म हो गया, इनो रखा हुआ है। ले तेरे लिए भी चाय रखी है, ये चाय में डाला थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा चिकन के छोटे छोटे टुकड़े। देख बच्चों के सामने मत चाय पीना, चाय थोड़ी नॉन वेज है, ओके? और ये बन गई तेरी चाय, जल्दी जल्दी पी ले, गर्म है, ओके? पकड़ना बाबा। अरे आई जस्ट फॉरगॉट, ओके? ये ले तेरी चाय रेडी। चाय कैसे पीऊं, ये बहुत गर्म है। तो ठंडी करो ना इसको बाबा, ठंडी कैसे करेगी तेरे पास तो है भी कुछ नहीं। वन सेकेंड, ये हवा, इसको हवा आएगी तो हिलेगी ये। चल इसको ठंडी करो, पी चाय, अभी चाय पी। यार मुझे खाली चाय नहीं, इसके साथ कुछ नाश्ता भी चाहिए। नाश्ता मेंढक का पकौड़ा खाएगा? मेंढक का पकौड़ा? अरे बाबा समझा नहीं, जैसे अकेला नौकर हूँ तो सर्विस में प्रॉब्लम नहीं होता, अभी क्या है मेंढक का पकौड़ा बना के रखूंगी, सर्विस करने नहीं जाना पड़ता, खुद ही फुदो की तेरे पेट में घुस जाएगा। देख मेरी बात सुन, ए चुमड़ू, देख मेरा खाना बड़ा टेस्टी होता है, तेरे को पता है दुनिया से बिल्कुल अलग खाना बनाता हूँ मैं। तेरे को पता है एक बात का, लोगों के हाथ की चपाती खाई तूने ना, लोग गोल गोल चपाती बनाते हैं, मेरी चपाती बिल्कुल अलग होती है, यू नो। मैं क्या करता हूँ, ऐसे पेड़ा रख के यहाँ पे बॉडी पे पूरा डाबर लाल तेल लगा के यूं पेड़ पे लेट जाता हूँ। यूं लंबे लंबे नान बनते, पता जितना खाना खाओ बाकी लपेट के निकल जाओ, ठंडी भी नहीं लगती है चुपड़ू। देखो तुम्हें जो खाना बनाना है बना लो, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? ज्यादा मसालेदार ना हो। तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तेरे को कौन सा धोनी है? अरे बाबा प्लेट की बात कर रही हूँ, गर बड़ा करता है तू, ठाकुर के जर्मन शेफर्ड है, ऐसे मत किया कर, तू डरा देता नाजुक कुक को। हाँ वेरी गुड, आदमी काफी समझदार मालूम होता है। अरे बाबा मैं समझदार की क्या बात बोलूं, मेरे को तो कोई प्यार से देख भर ले, मैं तो माँ बनने को तैयार हो जाता हूँ। मुझे बताओ पैसे कितने लोगे तुम? पैसे, ओके, अच्छा दोनों में से आंख मार के उंगली सिलेक्ट कर, ये वाली 20,000 रुपए लूंगा। मैंने उस उंगली पर इशारा किया था। यू चीटर, अगर मैं हाथ घुमा लूं तो ये 40,000 वाली उंगली है। इतने पैसे? हाँ तो बाबा महंगाई बड़ी होगी, क्या करे, 40,000 में क्या होता है आजकल। लड़ी हल महंगाई, अर्चना हमारे जमाने में
₹10 में मैं घर का सारा सामान ले आता था। आजकल नहीं आता है ₹10 में, आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, बड़ा है। और सुन ए हेलो, ये खाना दुकान कहाँ पे है? खाना कहाँ से लाते हो? यही पास में एक सुपरमार्केट है वहां से। सुपरमार्केट? अरे बाप रे, सुपरमैन ने दुकान खोल ली? कहाँ है सुपरमार्केट? पास ही में है। किधर है? 3 बिल्डिंग छोड़ते ही हाँ तुम्हें एक नाला मिलेगा। हाँ? नाला पार करते ही बड़ा नाला मिलेगा, वहां तुम यू टर्न ले लेना, वही पास में सुपरमार्केट। देखो इतनी दूर जाऊंगा तो फिर उसका अलग से भाड़ा लूंगा मैं, इतनी दूर तो नहीं जाया जाता मेरे से। तुम्हें पैसे जितने चाहिए ले लो, लेकिन तुम्हें छुट्टी एक भी दिन नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? मैं हफ्ते में 2 छुट्टियां लेता हूँ, 3-3 दिन की। और संडे वाले दिन अलग से करूंगा मैं। ये तो पूरे हफ्ते की छुट्टी हो गई। हाँ तो काम कब करोगे? अरे काम अगले हफ्ते करूंगा ना बाबा, तेरे कैलेंडर में क्या एक ही हफ्ता आता है? बड़ा है तू। और सुन मेरी एक बात, मेरी भी एक शर्त है। क्या? नाश्ते में जो मर्जी बनवा ले, 2 चीजें नहीं बनाऊंगा मैं। क्या? एक लंच और एक डिनर। और सुन डिनर में भी रोज रोज डिनर नहीं करना है, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी करना है। क्यों? अरे बाबा मोनोटोनस हो जाता, समझता क्यों नहीं है तू? और बैठ जा अभी, इधर बैठ बैठ। अरे बैठ पे तो खड़ा बड़ा रहता है। तो मेरे को सुबह का रूटीन बता, तेरा क्या है, कितने बजे उठता है तू? रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे? बाबा तेरे को कौन सा पीटी उषा के साथ दौड़ लगाने जाना, तो क्यों उठता है 6 बजे? 6 बजे नहीं उठना, सुन 9 बजे उठना है, मेरे को हेलो करके सो जाना है, वो इसलिए ताकि मेरे को पता रहे बुड्ढा जिंदा है, ओके? और लिसन, 9 बजे उठना है, हेलो हाई करके सो जाना है, फिर 1 घंटा सोना है, फिर 1 घंटा सोना है, उसके बाद फिर 1 घंटा सोना है, ओके? इतने घंटे में कैसे सोऊंगा? अरे वो 2-3 घंटे सोएगा फिर सच में नींद आ जाएगी तेरे को, बैठ जा। और सुन जब सोएगा अच्छी तरह से तो शाम को 6 बजे उठना, तेरे को गर्म गर्म लंच मिलेगा, ओके? 6 बजे गर्म गर्म लंच? अरे बाबा 2 बजे तो मैं लंच करता हूँ, और लंच के बाद मेरे को 4 घंटे सोना है, तो समझता क्यों नहीं है तू? बैठ जा इधर। क्या है? सामने आओ। क्या है बाबा? You bloody swine! निकल जाओ यहाँ से! Oh my God! एक दिन काम किए तेरे तो हाथ उगाए। सोच तेरे एक हफ्ता काम करता हूँ, तेरे तो मशरूम निकल आएंगे इधर। जाओ फिर मैं फाइनली। अर्चित क्या देख रही है? देख ले एक हफ्ता काम नहीं किया तो इसकी क्या क्या निकल आया। ज्यादा देर खड़ा रहूंगा तुम्हारे इधर भी वाटर मेलन निकल आएगा इधर, बाद में पाइप डाल के पीती रहना उसको। नंबर 2 नहीं तो पता नहीं क्या क्या निकाल दूंगा इधर मैं। दलेर पाजी, ठाकुर और उनका अलबेला नौकर, क्या ख्याल है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही यूनिक और बहुत अलग, बहुत ही कला। ये ठाकुर के लिए, अली साहब के लिए। क्या बात है। अर्चना जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रियली वांट टू से आई वांट टू टेक दिस जोड़ी होम। क्या बात, रियली जी कर रहा था ये एक्ट खत्म ही ना हो। कपिल, योर अलबेला इज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। दलेर पाजी, इस पेट में दर्द कर देने वाले एक्ट को कितने नंबर देंगे? 9 points. अर्चना जी, कितनी पगार मिलेगी हमारे नौकर और ठाकुर की जोड़ी को? आई विश कि मेरे पास और नंबर होते, लेकिन फिलहाल ये है। 10 points. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लवली एक्ट, थैंक यू। गब्बर इतना गरीब हो गया है, इतना गरीब हो गया है कि अपना फोन रिचार्ज करवाने के लिए ठाकुर को धमकियां दे रहा है। खुद ही देख लीजिए ऐसे गब्बर का हाल। प्लीज वेलकम ठाकुर एज गरीब गब्बर एंड श्वेता एज बिहारी वाइफ। 50-50 कोस दूर जब रात को 1:30-1:30 बजे कोई बच्चा नहीं सोता है, तो पाजी उनके घर में फिर दूसरा बच्चा नहीं होता है। लेकिन मैं वो डाकू हूं कि अगर आज भी बंदूक उठा लूं। अरे पप्पू के घबरा, मारा मारा झाड़ू। चल हो जाएगा। आती है नहीं, डराती रहती है। सुरेंद्र, तू भी गया था एक बार डाका मारने, भैंस के पिछवाड़े पे बंदूक रख के बोला जो कुछ है
निकाल दे। भैंस ने निकाला। आवाज के साथ कुछ और भी था सुरिंदर। मैं तो वो डाकू हूं कि आज भी बंदूक उठा लूं तो लोग मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। कौन कांपता है तेरे नाम से थर थर रे? हैं? कान के नीचे मराएंगे ना चाटा तो फल फला के जुलाब नीचे गिर जाएगा तुहार। घर का काम करने को कहे थे, किया कि नहीं? हाँ, सब काम कर दिया है हमने। दूध को बांध दिया है, बच्चे उबाल दिए हैं, डायपर हमने स्कूल भेज दिए हैं, हम सब काम कर दिए हैं। अरे क्या बड़बड़ा रहा है कमबख्त? अरे ऐसा मनसेदू होगा तो औरत कैसे जिएगी बताओ? कहाँ से ये दूध मलाई इस घनचक्कर के चक्कर में फंस गई बताओ? कौन सी दूध मलाई, से गौर से देखो जरा। इस डाकू की कोई इज्जत नहीं रही अब। अरे कौन करेगा तेरी इज्जत रे, दो कौड़ी का डाकू, जाके डाका मार के कहे नहीं लाता? कहां से मारूं डाका, चार पैसे जेब में नहीं है। कल मुझे बस वालों ने बिना टिकट के पकड़ लिया, नीचे उतार के गाड़ी बैक गियर में लगा के आगे को धक्का लगवाया मुझसे। अरे काम चोर, अपना घोड़ा कहा नहीं लेकर गया था? कौन से घोड़े, अब क्या बताऊं अर्चना, गधों को रिवाइटल के इंजेक्शन लगा लगा के घोड़े बनाया मैंने। पर जो गधे फिर भी घोड़े नहीं बने, पिछले हफ्ते शेट्टी साहब को बुला के बाहर निकलवाया। अरे इतना ही शरीफ है एक अम्बखात तो जाकर चार आना कमा कर हमारा घर का है नहीं कमाता? हाँ तो घोड़े को मैंने किराए पे लगाया था शादियों पे। पहले दिन सुरिंदर उस पे बैठ गया। अरे उसके कान में पूछ रहा था घोड़े के कि भाई तेरा गेयर किधर है, मैंने गेयर बदलना है। घोड़ा भाग गया, अब तो मैं कमा भी नहीं पाता हूँ। बताओ ना कमाता है और ना इसकी वजह से मेरे को प्यार मिलता है, बताओ। 24 घंटे घर में बैठा रहता है, कौन देगा मेरे को प्यार? अब हम इसके साथ नहीं रह सकते, हमको तो तलाक चाहिए इससे, और हम सुरेंद्र को बनाएंगे अपना गबरा। सुरेंद्र गब्बर नहीं बन सकता, ये वीरू बन सकता है पता है, क्योंकि इसको टंकी पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी, इसने नीचे से धमकी देनी है कि बसंती की शादी मुझसे कर दो वरना सबके घर में एक एक दिन रहूंगा। अर्चना जी आप ही बन जाओ। नहीं 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 नहीं, तुम्हें पता है कि रोल पहले इनको ही ऑफर हुआ था। ये तो क्लीन शेव रहने के शौकीन है इसलिए इन्हें गब्बर का रोल नहीं मिला। गब्बर देखा आपने फिल्म में कितना लाउड हंसता है, आज तक गब्बर बन के बैठी हुई है। जब कहीं 50-50 मील दूर बच्चा रोता है तो पता चल जाता है अर्चना टीवी पे हंस रही है। सब तो दिलेर पाजी, आप ही बताए हम किसको बनाएं गब्बर? उनसे क्या पूछ रही है, उन्हीं को बना ले। पर ऐसे नहीं मानेंगे, इनको मनाना पड़ता है। हम जानते हैं कैसे बनाना है। आज तो दिलेर पाजी डबल मना रही है इकट्ठा। लेकिन एक बात बताऊं, इन्होंने तो डाकू बनने के संकेत पहले ही दे दिए, इनका नया गाना नहीं सुना? हे बापाई, फिर से घोड़ा? अरे हम घोड़े से बड़ा परेशान हो गए हैं। एक काम कर, तू ही बन जा गब्बर, लेकिन एक कह देते हैं तोरा के ना हमका एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, हम दोबारा बंदूक उठाने को तैयार है। अरे बंदूक नहीं उठाना है, कोहला मटकाना है। होली आ रही है ना, तो जरा कोहला मटका दिखा दे। तू मत मटका, पिछली बार मटकाया था 1.5 किलोमीटर दूर गिरा था, मैं उठा के ला के दिया था। अब तो मैं तेरा गब्बर बन सकता हूँ ना? अरे हम थोड़ी बताएंगे, ये दोनों जो हुआ बैठे हैं वो बताएंगे तू गब्बर बनने के लायक है कि नहीं, बताओ जी। चलो तो अर्चना जी, गब्बर और उनकी बीवी कौन ज्यादा सही है? तांसन कर दिया, जला दिया। ये आप दोनों के लिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। थैंक यू। ब्यूटिफुली रिटन बट एक्स्ट्रॉर्डिनरली परफॉर्म बाय यू श्वेता एंड राजीव। राजीव जी, आज आपने इस मंच के ऊपर, मुझे नहीं जो लोग इस पूरे शो को देखेंगे उनको, एक बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग और नया राजीव ठाकुर मिलेगा, बहुत कमाल का। अच्छा जी, कितने मार्क्स देंगी आप इन्हें? मल्टीप्लाइड बाय 2। अर्ज किया है, दर्द जब हद से गुजर जाए, ताज चाहूंगी।
दर्द जब हद से गुजर जाए तो डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। रामगढ़ में भी खुला है एक ऐसा नया क्लिनिक जहां डॉक्टर है एक पर बीमार अनेक। प्रेजेंटिंग सुदेश एज डॉक्टर एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर। देखो मैं रामगढ़ में बहुत पुराना डॉक्टर हूँ, इतना पुराना डॉक्टर हूँ कि एक ही हंगल की डिलीवरी मेरी आंखों के सामने हुई। अच्छा जब से मैं डॉक्टर बना हूं ना, यहाँ पे शायद ही कोई बीमार हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद मेरे पे 11 केस चल रहे हैं बिना वजह हत्या के। अब देखो 12वां केस कब आएगा यार, मैं तो वेट कर रहा हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतनी तालियां बज रही है, तुम्हें सन्नाटा दिख रहा? साले 2-4 तालियों के लिए मैं अपना डायलॉग थोड़ी चेंज कर दूंगा। हेलो हेलो, आप फिक्र ना करें। अरे डॉक्टर, क्या हुआ? मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है। ओ पागला, और तो फिर खांसी कर करके मेरे को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अरे कंफ्यूज तो तू अब होगा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आंखों का इलाज करवाने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ? कि तुम्हारी आंखें कब से खराब है? डॉक्टर ये चाइना ने इंडिया पे कब अटैक किया था? 1971 में। हाँ तो यही कोई परसों की बात है। वो तू पागल है? तो फिर चाइना और इंडिया की बातें क्यों कर रहा है? पर्सनल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ यार। वो आजकल जय का शो भी आ रहा है ना KBC, कहीं उसमें मुझे सेलिब्रिटी ना बुला ले। चल लेटो। लेटा क्यों रहे हो डॉक्टर? मैं फीस दूंगा। ओ यार तू बड़ा गंदा आदमी है। अरे ये कोई बात है? बुजुर्गों से ऐसी बात की जाती है क्या? अगर मैं अंधा ना होता ना तो देख लेता तेरे को। दिलेर मेहंदी साहब, एक बार अर्चना जी भी मेरे पास आए थे। देखो बीमारियां हर तरीके की होती हैं। मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं रात को डर जाती हूँ, पता नहीं मेरे को क्या होता है, बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपने पति को या परमीत को ये कहो कि मेरी तरफ मुंह करके सोया करो। कहती मैंने कहा था, वो कहता है कि तुम तो सो जाओगी, मैं सारी रात डरता रहूंगा, वो कौन? एक बात कहूं? कहो। हेलो, आपने आपको बड़ा मेंटेन रखा है आपने, इतनी उम्र हो गई फिर भी बुजुर्ग लग रहे हो। आइए आइए मेरे पास बैठिए। पहले तो मुझे मुबारकबाद दो। किस बात की? रात को मेरे घर पे बच्चा पैदा हुआ है। वाह वाह, मुबारक हो। हाँ जी, पड़ोसी का। What do you mean? नहीं नहीं, मेरा घर पे भी क्लिनिक है ना, तो पड़ोसी ने डिलीवरी मेरे घर पे करवाई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मुंह मीठा करिए, लीजिए ना। लीजिए ना। ये एक प्यार होता है, मरीज जो होते हैं ना ये अपने होते हैं सारे, इनसे प्यार करेंगे तो भगवान खुश होता है। क्यों डॉक्टर साहब? ये बातें बंद करो, पहले ये मुंह का साफ तो कर लो। आप भी ना तमीज होनी चाहिए आपको, कहीं भी शुरू हो जाते हो। बकवास बंद करो। सबसे पहले ये बताओ, मेरा बीपी मुझे चेक करना है। ओके। ये कल रामलाल दे गया था हाथ। कितना है बीपी? 98-40। 98-40। हाँ, इसलिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन? हाँ जी। हाँ तो दो। एक मिनट, आराम से देना डॉक्टर इंजेक्शन। इंजेक्शन तो है नहीं, चमचे बड़ा, चलो इसी दिन दे लेते हैं। अभी तो लगाया भी नहीं। चलो बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। डॉक्टर लग गया लग गया लग गया लग गया। डॉक्टर बस 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 बस। डॉक्टर, ओहो, ओ इधर नहीं लगाया मैंने, उधर लगाया। डॉक्टर बस हो गया। बस अब आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर, एक मेन काम के लिए आया हूँ मैं। क्या? तुम ये हाथ वापस चिपका सकते हो? मैं तो आपकी बीपी की भी प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूँ अभी। कैसे? सर,
मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। यार आप समझते नहीं हो, मैंने कॉमेडी सर्कस के एक्ट इसमें रिकॉर्ड किए, देखोगे तो बीपी अपने आप चला जाएगा। अच्छा हाथ जुड़वाने? हाथ जुड़वाने। कहाँ लगाऊं? कहाँ क्या जा होते हैं वहां लगाओगे और कहाँ लगाओ? वही। हाँ वही। चलो ठीक, पर्दे के पीछे चले। पर्दे के पीछे क्यों? नहीं नहीं, मैंने सुना है पर्दे के पीछे हाथ लगवाने का मजा ही कुछ और है। क्यों नर्स? अच्छा ये घर जाके 3 किल और ठीक लेना है ना। हो गया काम। ये लड़की देखो कितनी सुंदर लग रही है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी मैंने की है। नहीं नहीं, असल में ये सोमिया नहीं, मौसी है। ये मेहनत है मेरी, आप लोगों का प्यार है। चलो। लगता है तूने मुझे नहीं पहचाना। यार तू एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे गब्बर सिंह हो। बे मैं असली गब्बर ही हूँ। चोर के बच्चों। पहचाना? झूठ बोलता है तू। अरे ओ सांभा। कितने आदमी थे, अब पहचाना? झूठ बोलता है साले, मेरे को डरा रहा तू? तो साले के एक्ट के बाद पहचानेगा। मैं जानता हूँ साले, तू वही डॉक्टर है जिसने ठाकुर के दोनों हाथ लगा दिए। अब गब्बर भी तेरे दोनों हाथ काट देगा। नहीं। यार एक आध मौका तो दो यार, मेरे को कमाल कर रहे हो। आखिरी ख्वाहिश पूछो। ठीक है, तो फिर मेरे पास जय का सिक्का है, वो मैं टॉस करूंगा। अगर हेड आया अच्छा जी तो तेरे दोनों हाथ काट दूंगा, और अगर तेल आया तो एक्ट ही खत्म कर दूंगा। खत्म हो गया। दलेर पाजी, रामगढ़ के इस क्लिनिक में आप भर्ती होना चाहेंगे? पूरे एक्ट में कोई भी चांस ऐसा नहीं मिला कि मैं थोड़ा रुक पाऊं। हंस हंस के बुरा हाल बेहाल हो गया। ये आप जोड़ी के लिए। क्या बात है, तानसेन का दिया। और स्पेशली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तारा रारा इस तरह पैरों से हो सकते है। कभी नहीं सोचा था। बहुत कमाल कृष्णा जी, बहुत बहुत कमाल कॉन्सेप्ट। इट्स नाइस कि आप दोनों वापस आ गए हैं, वो जो आप दोनों का मैजिक है वो वापस दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस एक्ट में स्क्रिप्ट बहुत कम था, लेकिन जो भी पंचेस थे वो आप दोनों की टाइमिंग की वजह से ही आए। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू बोथ ऑफ यू आर देयर। दलेर पाजी, मार्क्स चाहिए, जल्दी से मार्क्स दे दीजिए इन्हें। 9 points। अर्चना जी, 8 points। थैंक यू, बहुत खूब एंड थैंक यू। ये अर्चना पुडले सब कुछ काजी काजी, दिलेर पाजी पाव भाजी, कुछ नहीं समझ आया जी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारा अगला एक्ट। प्लीज वेलकम वीआईपी स्वप्नलाइन सुगंधा एज वेरियस कैरेक्टर्स। इंगले आपड़ किन्ने था, इन्हें अच्छे सॉन्ग गाया है, यार के कपड़े बांधने ठाकुर ने बुलाया है। रामगढ़ किस करूंडी ट्रेन अपड़िया इकड़े। நார்மலா அப்படியா ராம்கட கேலா ஹாய் 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 மைண்ட் இட் ஐயையோ நமஸ்கார பசந்தி அப்படி இல்ல பாப்பட போல என்ன சொன்ன முன் கி ஆதத்தோ ஹாய் நை பசந்தி எங்க நாள எத்த படகின்னு தாம் ஜாம் பசந்தி கே ஹை துமார நாம் பசந்தி வணக்கம் ஹை வி டோன்ட் வான டு கம் வி வான டு கோ டு தாக்கூர் கி ஹவேலி யூ வான டு கம் ஆப்ட ஆப்ட எல்லே இந்த கோஸ் குடின போடுனே என்ன நல்ல நல்ல பாத்து என்ன சொல்லுற
प्यारी प्यारी बातें इल्ले बहुत सारी बातें इंगे माइंड इट आपड़ा आपड़ा ठाकुर हवेली आहे हाय चाय ये लम्बी घूम जाता पार्टी तू ठाकुर लबुला इंगवा वांगा अरे छोल टांगा इंगवा हाय जया इन मोशना जया इन डाइजेशन आपड़िया सापड़िया इससे तो बेटर है डिंपल कापड़िया चंगा पंगा होली होली चंगा पंगा चंगा पंगा होली पोंगला नार कोंडे दोनों का यार अलग लगता है यार अलग लगता है हाय करी आर कुंडे सॉन्ग का ना डांसा हिंदा इटली डांसे इटली घबरा हाय ज़्यादा मत घबरा ये तो सुन रहा ये तो सुन रहा ये क्या ये बोल क्या गला काटूंगा हाय हाय ये तो सुन रहा बच्चा बाज वार जा तन्हाई की एक रात कांडू कोंडन कांडू कोंडन चे इंगवा इल्ला इन्ने सोलर तो इन्ने पड़तला रामू काका ने इन्ने सोल रहा मुझे बोला था तुम दोनों को टाका फिरा हुआ है रोको आई देखा अर्चना जी जय और वीरू दोस्त क्या गाने गा रहे थे ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे और अब एक दूसरे को तोड़ रहे हैं क्यों एक लड़की के लिए मेरे लिए क्योंकि आपने ले पापड़ बोला इन्हें टुरन मुरन की आदत तो है ही नहीं तुमने काय को मारा हाई धोखा दे रही थी ये तुमने क्यों मारा सलाम मैसेज दे रही थी ये आज अगर मैंने इसे गोली नहीं मारी होती तो साला वो हम तीनों को गोली मार देती मालूम तो देवी और सज्जनों आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में जय क्यों नहीं मरा क्योंकि जय बहुत जल्द आप सबके लिए लेकर आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर गुड नाइट शुभ रात्रि शब बखैर शटर बसंती शटर के अंदर आ जा आइयो अर्चना अम्मा आपको मजा आया कि नहीं आइयो कितना इंटरेस्टिंग एक्ट ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्ट है फॉर योर एक्सपेरिमेंट एंड द फैक्ट दैट कॉमेडी सर्कस की जो स्पिरिट है दैट शुड रिमेन यू नो इंटैक्ट दलेपा जी आपको कैसी लगी बहुत बड़ापन है इनके अंदर स्वप्निल और वीआईपी जी के और खास करके सुगंधा जी आपने भी बहुत बहुत इसके साथ आगे चार चांद लगाए हैं थैंक यू ये आप तीनों के लिए तो अर्चना जी इस विदाउट भाषा कॉमेडी एक्ट को आप कितने नंबर देंगे 8 पॉइंट्स दलेर पा जी आप कितने नंबर देंगे 9 पॉइंट्स बहुत खूब एंड थैंक यू वेरी मच हमारा अगला एक्ट बहुत बहुत हाई मतलब ऊंचे लेवल का है क्योंकि उसमें कॉमेडी थोड़ी ऊंचाई से हो रही है यानी कि पानी की टंकी से तो देखते हैं इस टंकी पे क्या नौटंकी होती है प्रेजेंटिंग भारती एज मौसी और अभिजीत एज वीरू अर्चना जी जब प्यार किया तो टंकी पर चढ़ने से डरना क्या गांव वालों अगर मेरी शादी बसंती के साथ नहीं हुई तो मर जाऊंगा कूद जाऊंगा पल जाऊंगा ये मौसी बड़ी कमीनी है मेरे बारे में गलत गलत खबरें फैला रही है कह रही है कि मैं उसे पटाने के लिए इस टंकी पर चढ़ा अरे रुक जाओ रुक जाओ आए रुक जाओ अरे मौसी जी इस उम्र में इतनी ऊंची टंकी पर कैसे चढ़ गई आए उम्र की बात मत करो अरे कल तो मैंने रामगढ़ में पाव भाजी बनाई और मसाले लेने में एवरेस्ट में गई थी गांव वालो मर जाऊंगा कूद जाऊंगा फंस जाऊंगा सुसा प्लीज
अरे ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो, कितना भावुक नहीं होते हाँ? क्या पता भगवान तुम्हारी सुन ले, तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत ही ना पड़े, गब्बर तुम्हें ऐसे ही गोली मार दे। हाय अगर गब्बर ने तुम्हें गोली मार दी तो मेरा प्यार ठाकुर भी मुझे मिल जाएगा। क्या तुम ठाकुर से प्यार करती हो? हाँ। तुम्हें पता नहीं कि वो गे है? क्या? एक बार तो ठाकुर ने मुझे और जय को कहा था कि काम जो मैं चाहूं और दाम जो तुम चाहो। इतना ही नहीं, एक बार तो उसने हद कर दी, कहने लगा कि लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। मैं मर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत बचाना, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। क्या तुम उससे प्यार करोगे? नहीं, लेकिन तुम तो बसंती के साथ ऊ ऊ। जब गोडाउन है मेरे पास तो शोरूम की क्या जरूरत है। तो अर्षा जी, ये हमारी मौसी जी ने कमाल दिखाया कि नहीं? इस एक्ट में पंचेस थोड़े कम थे, लेकिन जो भी पंचेस थे वो आप दोनों की टाइमिंग की वजह से ही आए, वो बहुत काबिले तारीफ। दिलीप जी कैसा लगा आपको? भारती जी आप तो बस कमाल है, बहुत बहुत अच्छा। जज साहिबा आप क्या नंबर देंगी? 8 points। दिलीप जी आप कितने नंबर देंगे? ये हमारी तरफ से 9 points। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा, सुइसाइड वगैरह वगैरह वगैरह। देखा मुझे सारे सीन याद हैं, पर आज जय और वीरू आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे सीन जो रह गए हैं अनसीन। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जिमी एंड सुमित एज वेरियस कैरेक्टर्स। अर्चना जी हम अपनी फिल्म की एक ऐसी एंगल आपको बताएंगे जो अनदेखी अनसुनी एडिटेड प्रेम कहानी है, और मैं हूँ इस अनकही कहानी का सबसे गरीब प्रेमी। गरीब? अरे गब्बर को पकड़वा के जो 50,000 रुपए मिले वो तुम्हें मिले थे ना? 50 नहीं जय, 50 नहीं, सिर्फ 25,000। बाकी 25,000 की तो ठाकुर ने भांजी मार ली। क्या था जय का मेरी बहू के साथ सेटिंग? तो सेटिंग के 25,000 तो बनते ही है। वो तो है, वो तो है, मतलब तेरी राधा के साथ सेटिंग थी और तूने मुझे बताया भी नहीं। ये हमारी दोस्ती, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अब इसे क्या बताऊं, ये जब पी के सोता था तब मेरे और राधा के बीच में कुछ कुछ होता था। लेकिन ठाकुर कहीं पर मौसी के साथ मस्त था। बिपाशा मौसी, ठाकुर साहब आप? नहीं तो क्या तुम्हारा बाप? मुझे डर लगता है कभी आप मेरे हाथ ना छोड़ दे। हाथ की बात मत करो, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे हाथ पीले हो जाए और मैं तुम्हारे साथ मुंह काला कर लू। हाथ की बात मत करो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए आइटम सॉन्ग करूं और तुम अपने हाथों से ताली बजाओ। हाथ की बात? ताली, डांस, नाचो। कलाकार कभी मरता नहीं, वो तो जिंदा दफनाया जाता है। कब्र खोद के देखो, आपकी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। क्या बात है, अगर मेरे हाथ होते तो इस बात पे मैं तालियां बजाता। अच्छा जी क्या ख्याल है आपका? आई स्टिल फील दैट द स्क्रिप्ट में थोड़ी सी कमी थी, पंचेस थोड़े कम थे, बट लेकिन आप दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद आई। आप दोनों का काम बहुत बहुत बेहतर है, हम आपके फैन हैं बहुत ज्यादा इस बात के। थैंक यू, खुश हो। अच्छा जी मार्क्स दे दीजिए। 7 points। दिलीप जी क्या बात है, 8 points, थैंक यू वेरी मच। सारे एक्ट हो चुके हैं और अब वक्त है एलिमिनेशन का। अब चलते हैं रिजल्ट्स की ओर। आज की सबसे लोएस्ट स्कोरिंग टीम है जिमी और सुमित। जिमी आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा
सोनी टीवी का और ऑप्टिमिस्ट का. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा मुझे लोगों को हंसा के. थैंक यू. जोरदार तालियां एक बार फिर इनके लिए एंड थैंक यू वेरी मच.